हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शन, जो कि आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कि किस तरीके से हमारी इनकम जो है वो सर्कुलर वे में जो है फ्लो करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो भी सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे 4 सेक्टर होते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। बट जो आपके सिलेबस में आप सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में पढ़ते हो कि यहाँ पे जो है किस तरीके से 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपकी जो इनकम है वो फ्लो कर रही है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, तो पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर उसको बदले में क्या देगा, पेमेंट। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो एज ए लेबर, तो वो बदले में आपको क्या देंगे, वेजेस देंगे। तो लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद गुड्स बन जाएंगी, तो जो है प्रोड्यूसर आगे फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसको देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। फिर हाउस होल्ड सेक्टर बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से जो हमारी मनी सर्कुलेट होती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें दिवाली में, जैसे मिठाई का डब्बा होता है आपके घर पे आता है, तो वो हम मतलब इतने सारे आते हैं तो हम सब खाते थोड़ी है, तो हम उसको आगे किसी और के घर दे देते हैं, फिर वो किसी और को देते हैं, फिर वो किसी और को दे देते हैं, क्या पता घूम फिर के फिर वही हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लो है वो चलता रहता है, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, कि इनकम का किस तरीके से जो है वो फ्लो चल रहा है, राइट। तो अब इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक हैं, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। तो एक होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंड हो रहा है आपका सर्कुलर फ्लो, एक्सपेंड हो रहा है, आप ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो उसको जो है इंक्रीज कर रहे हो फ्लो को। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको जो है रख नहीं रहे हो, सेविंग्स नहीं कर रहे हो, बल्कि आगे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, सामने वाले को अगर नीड होगी तो उसको जो है पैसा मिल जाएगा। नीड तो सबको होती है, ठीक है, जैसे लोग लोन वगैरह लेते हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, फिर आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप सेविंग कर लोगे, उस पैसे को घर पे रख लोगे, तो उससे जो है जिसको नीड है ना, उसको पैसा मिल पा रहा ना, आपको इंटरेस्ट मिल रहा, तो उससे क्या हो गया, आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो रुक गया, ठीक है। तो जब हम करते हैं इंजेक्शन, तो उससे हमारा क्या होता है, इंजेक्शन किसे बोलते हैं, जब हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंड होता है, राइट। बट अगर आपका जो है सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम रुक जाता है, या फिर उसमें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेजेस बोलते हैं। सो इसको हम अभी करेंगे टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा, दिस फ्लो वेरिएबल्स हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है प्रोड्यूसर को जो है पैसा नहीं मिल पाएगा इतना, लोग जो है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक क्योंकि उनके पास जो है इनकम कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकम का जो विड्रॉ हो गया है, तो इनकम का यहाँ पे हो जाता है विड्रॉ, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे, और हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाएगा, लोग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम करेंगे। एग्जांपल हो गए इसके, सेविंग्स, इम्पोर्ट्स, ये सब कुछ आ जाएगा। इंजेक्शन का क्या होगा, कि अब जो है फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा जो हमारा फ्लो इंक्रीज होगा सर्कुलेशन ऑफ इनकम का, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम जो है ज़्यादा होगा, इसके अंदर ऐड होगा, मतलब और ज़्यादा फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारी इकोनॉमी की, और लोग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे। एग्जांपल हो गया इसका, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, हम लोन ले पा रहे हैं, ठीक है, इजली अगर लोन अवेलेबल होगा मार्केट में, या कोई हमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम गुड्स और सर्विसेज भी जो है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो हमारा
सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है तो हम बोलेंगे इंजेक्शन, बट अगर उसका जो है सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम का विड्रॉ हो जाता है जिस चीज से हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीकेजेस बोलते हैं। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।